बंदी सिंघां दी रिहाई लई बनी कमेटी दे विच पंज सिंघ साहिबाना वल्लों नवें चेहरे शामिल करन नूं लै के हरमीत सिंघ कालका जो कि दिल्ली कमेटी दे प्रधान ने उन्हां दे वल्लों इतराज़ जताया गया। विरसा सिंह बलटोहा नूं कमेटी च शामिल करन नूं लै के उन्हां ने इतराज़ जताया। उन्हां ने कहा कि कोई भी सियासी आगू इस कमेटी दे विच शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदी सिंघां दे मामले ते किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरे पासे विरसा सिंह बलटोहा वल्लों फेसबुक ते पोस्ट पा के जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हरमीत सिंह कालका दे नाल मेरा कोई भी जड़ा गुस्सा नहीं गा ते कोई भी इतराज़ नहीं, पर उन्होंने कहा कि सिंह साहिबाना वालों ही विरसा सिंह बलटोहा की जी जिम्मेवारी लगाई है, सेवा लगाई। उत्ते ही बलटोहा ने भी कहा कि मैं खुद जेल में रहा, बंदी सिंघां दे तौर पर मैं जेल कट्टी है, तो कि इस दर्द को समझन करके ही जड़ा सिंह साहिबाना वालों मेरी ड्यूटी लगाई गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान और बाकी सिंह साहबान ने जिस तरीके दे नाल भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा अते होर बंदी सिंघां दी रिहाई की लड़ाई जिहड़ी है उहनू अगे वधांदे होए जिथे दियास दी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों ड्यूटी लाई गई है और चार मैंबर होर उहदे विच पाए गए ने। मैं सिंह साहब जी का धन्नवाद करदा कि जिहड़ी तुसीं साडी ड्यूटी लाई है असीं अपनी पूरी इमानदारी अपनी पूरी तनदेही दे नाल इहनू निभावांगे। मगर आप जी दे चरणां च एक सिंह साहब जी मैं जरूर बेनती करांगा कि ये बंदी सिंघां दी रिहाई बहुत लंबे समय तो राजनीतिक लोगों के हाथ च आके ये तार पीटो होंदी आई है और अज भी तुसीं ये पंज मैंबरी कमेटी दे नाल जिस तरीके दे नाल सरदार विरसा सिंह बलटोए का नाम पाया ये एक राजनीतिक पार्टी के बुलारे होने के ना कारण ये एक शंका दे विच कमेटी पै जाती है। सो मैं आप जी के चरणों में बेनती करांगा कि एक क्रैडिट डिसक्रैडिट की लड़ाइया तो परे हट के सानू सारिया नू इहदी लड़ाई नू लड़ना चाहिए और आप जी ने जिहड़ी जिम्मेवारी साडी लाई है असीं उहनू पूरी ईमानदारी पूरी तनदेही नाल निभावांगे। मगर आप जी के चरणों में एक बार फिर बेनती करांगा कि तुसीं इहनां दे बारे जरूर विचार करो ताकि असीं अपने उहनां वीरां दी लड़ाई नू सिरे ते लड़ सकीए और कौम नू इंसाफ दवा सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।